हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ये एक 4 BHK फ्लैट है जो कि पुंदाग में है, पर्ल ऑर्किड के नाम से। ये हमने एक कंप्लीट इंटीरियर फिनिश किया है जो कि एक प्रीमियम फ्लैट है। ये इसका मैं कंप्लीट व्यू आपको दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा लिविंग रूम एरिया हुआ जहाँ पे आप ये टीवी यूनिट देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो टीवी यूनिट बनाया है इसमें हमने फ्लूटेड एक्रेलिक प्लस सम स्टोन फिनिश एक्रेलिक एंड मिरर फिनिश के अंदर इसे हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने कुछ ओपन स्टोरेजेस भी दिए हैं फॉर दी शो पीसेस एंड बॉटम में हमने ड्रॉस एज वेल एज ओपन स्टोरेज का भी प्रोविजन दिया है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस के पास आप कंप्लीट वॉल पैनल देख सकते हैं जो कि हमने व्हाइट प्यू फिनिश के अंदर कंप्लीट किया और उसके साथ हमने रोज गोल्ड फिनिश भी यहाँ पे यूज किया। तो जो मिरर फिनिशिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा आपको एलिगेंट लगेगा। उसी के साथ साथ हमने एल शेप सोफा यूज किया है लिविंग रूम के लिए। तो आप एक कंप्लीट कलर थीम देख सकते हैं पूरे घर का जो कि हमने व्हाइट एंड गोल्डन के अंदर इसे कंप्लीट किया है। तो जो व्यू है वो आप देखिएगा कि कंप्लीट व्हाइट गोल्डन वहां पे भी हमने यूज किया और सेम चीज हमने यहाँ टीवी पैनल के पास भी यूज किया। उसी के साथ साथ आप अगर सीलिंग की बात करूं तो आप सीलिंग भी देखिएगा कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कोव लाइटिंग लगाया है और एक बहुत ही सिंपल एलिगेंट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर फॉल सीलिंग को कंप्लीट किया है। यहाँ पे 2 फैन हमारे हैं जिसमें LED भी है और बीच में हमारा शैंडलियर है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल सिटिंग एरिया था और यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल सिटिंग एरिया है जहाँ पे सेम जो डिजाइन पैटर्न है वो हमने फॉलो किया है। जो सोफा है वो भी सेम कलर सेम डिजाइन के अंदर है और जो बैक पैनल है वो भी हमारा सेम कलर है सेम डिजाइन के अंदर हमने फॉलो किया जिससे एक सिमेट्री हमारा बनता है। और उसी के साथ साथ आप अगर टेबल भी देखिएगा तो वो भी व्हाइट फिनिश एंड गोल्डन के अंदर है जिससे जो कलर थीम है वो काफी ज्यादा खिलकर आता है। और उसी के साथ ये हमारा एक 3D पैनल है जहाँ पे आप ग्रे एंड गोल्डन फिनिश के अंदर देख सकते हैं। ये कंप्लीट 3D पैनल यहाँ पे यूज किया गया है। बॉटम में स्टोरेज है और सेंटर पे हमारा एक गणेश जी का बड़ा सा मूर्ति आने वाला है जो कि लगने के बाद काफी ज्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक आएगा। सो यहाँ पे हमारा ये किड्स बेडरूम है जहाँ पे आप कंप्लीट बेड का बैक देख सकते हैं जो कि हमने कैसल थीम के अंदर बनाया है। इनकी डॉटर है जिनके लिए कंप्लीट बेडरूम हमने डिजाइन किया है। यहाँ पे आप कंप्लीट इस बैक को देख सकते हैं जहाँ पे हमने कुछ स्टोरेज एरिया दिया है, नीचे पे ड्रॉर्स दिए हैं, यहाँ पे कुशनिंग वर्क हमने किया है वो भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा आपको लगेगा। और टॉप पे भी हमने कंप्लीट कैसल का डिजाइन दिया है जहाँ पे ये छोटे छोटे शो पीसेस भी यहाँ पे रखे हुए हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे वार्डरोब एरिया देखिएगा तो वार्डरोब पे भी हमने ये एक्रेलिक फिनिश के अंदर इसे बनाया है और जो कलर थीम है व्हाइट एंड पिंक का वो हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। तो इस तरीके से कंप्लीट ये वार्डरोब एरिया हमारा है। ऊपर पे हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे लॉफ्ट दिया है। और उसी के साथ साथ आप अगर टॉप पे देखिएगा तो हमने यहाँ पे जो फॉल सीलिंग रेडी किया है वो भी एक क्लाउड के थीम में किया है जो कि काफी डिसेंट लुक के अंदर आपको कंप्लीट फॉल सीलिंग दिख रहा होगा। और जैसा कि ये जो फ्लैट है उसका हाइट थोड़ा सा कम था हमारा, 8.8 फीट का था, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल फैन की जगह हमने ये सिंपल फैन यहाँ पे यूज किया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें ब्लेड्स नहीं है जिसकी वजह से जो सेफ्टी मेजर्स है बच्चों के लिए वो भी मेंटेन हो जाता है और दिखने में भी ये काफी एलिगेंट लगता है। वहीं अगर मैं बेड की बात करूं तो बेड में भी आप देखिएगा कि कंप्लीट हमने यहाँ पे नीचे बॉटम में फैब्रिक यूज किया है जो कि बच्चे के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और देखने में भी ये काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आता है क्योंकि आप इसका फैब्रिक आप देखिएगा और उसी के साथ साथ आप जब हेडबैक देखिएगा तो ये सारा आपको एक कलर थीम के अंदर दिखेगा और जो कलर थीम हमने यहाँ पे मेंटेन किया व्हाइट और पिंक का वो भी आपको हर एक जगह पे मेंटेन्ड दिखेगा। इसी के साथ अगर आप डोर भी देखिएगा और डोर के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा टीवी यूनिट प्लस स्टडी एरिया जो है वो आप देखिएगा तो काफी आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे भी हमने सारे कर्व शेप का यूज किया है और जो कलर थीम है उसको हमने एज इट इज मेंटेन किया है व्हाइट और पिंक का, है ना। और जो हमारा डोर है वो भी हमने यहाँ पे डिजाइन किया है ऑल इन द प्रीमियम लुक। इसके साथ साथ बेड के ठीक बगल में हमने यहाँ पे एक ड्रेसर यूनिट दिया है जो कि आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स है उसे हमने यहाँ पे कर्व एंड राउंड शेप में बनाया है और जो मिरर है वो भी हमने कर्व राउंड शेप के अंदर बनाया है। काफी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें था कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एडिशनल एरिया देख रहे हो, ये बालकनी एरिया था और ये जो टॉप आप बीम देख रहे हो यहाँ से हमारा स्लाइडर था, तो ये बालकनी एरिया था जिसको हमने ऐड करके इस रूम में हमने इसे ऐड किया है जिसकी वजह से रूम का जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा इलोंगेटेड आपको लगता है
टॉप पे हमने लूवर्स दिए हैं जो कि आप व्हाइट कलर के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो व्यू है, यहाँ पे हमने जो कर्टन्स दिए हैं, ये डबल लेयर कर्टन दिए हैं, ओपेक कर्टन्स के साथ साथ शियर कर्टन। अगर आप कलर भी देखोगे तो ये भी जो रूम का जो थीम है उससे हमने मैच करते हुए इस थीम को यूज किया। और आप अगर देखोगे तो ये कंप्लीट जो यहाँ से व्यू है वो आपको पूरा दिखेगा, ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जो रूम का साइज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है इसके वजह से। इसके साथ जो वॉल एरियाज है वो भी हमने, जो बालकनी का वॉल एरिया था उससे हमने कवर किया है। और यहाँ पे भी हमने फ्लूटेड एक्रेलिक यूज किया है जो कि आप देखोगे, अगर सामने से देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जो टेक्सचर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और यहीं पे हमारा जो वॉशरूम का डोर है वो भी यहाँ पे अटैच्ड है हम लोग का, तो यहाँ पे हमारा वॉशरूम के लिए कंप्लीट एरिया हो गया। तो यहाँ पे वॉशरूम में भी आप देख सकते हो कि बाथटब यहाँ पे यूज किया हुआ है। और जो टॉप है वहां पे हमने पीवीसी वाला जो सीलिंग है वो हमने यूज किया है। नेक्स्ट हमारा ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ब्यूटीफुल हमने ऊपर शैंडलियर यूज किया है। और बॉटम में हमारा 6 सीटर डाइनिंग है, इसका आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। क्रॉकरी एरिया के लिए हमने यहाँ पे डायमंड कट मिरर यूज किया है। और जो टॉप है वहां पे हमने फ्लूटेड ग्लास यूज किया। फ्लूटेड ग्लास यूज करने का फायदा क्या होता है कि अंदर का जो क्रॉकरी है वो डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है, सिर्फ आपको उसका एक शेडो दिखता है। उसी के साथ कुछ ओपन एरियाज एंड क्लोज एरियाज भी है। ओपन एरियाज इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सो दैट की जो स्पेस है वो थोड़ा वाइडेंड लगे, और जो क्लोज एरिया है उसके अंदर आप बाकी सामान रख सके जो आपको ज्यादा दिखलाना नहीं है। बॉटम में अगर आप देखिएगा तो ये प्लेटफॉर्म हमने दिया है, और उसी के साथ जो बॉटम एरिया है वहां पे हमने फ्लूटेड एक्रेलिक यूज किया है। फ्लूटेड एक्रेलिक जो है वो कंप्लीट स्टोन फिनिश के अंदर है विद द रोज गोल्ड पैटर्न। टॉप पे अगर आप फॉल सीलिंग देखिएगा तो यहाँ कंप्लीट ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर फॉल सीलिंग बनाया हुआ है विद द कोव लाइटिंग्स एंड वार्म वाइट कूल वाइट लाइट्स। डाइनिंग के साथ हमारा यहाँ पे एक ओपन किचन है जो कि जिसके लिए आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट काउंटर देख सकते हैं, जो कि एक सेमी सर्कुलर शेप के अंदर ब्रेकफास्ट काउंटर है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे कंप्लीट जो एरिया है, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा हॉब है, चिमनी है। बॉटम में हमारा सारा यहाँ पे ड्रॉअर यूनिट्स है जो कि हमारा सारा सॉफ्ट क्लोज हेटच फिनिश के अंदर है। उसी के साथ साथ कुछ ओपन एरियाज भी हमने दिया है जो कि हर जगह पे हम लोग देते हैं। टॉप पे आप यहाँ पे कोव लाइटिंग का यूज देख सकते हैं जिससे जो लुक है वो काफी ज्यादा बेटर आता है। और बाकी सारे हमने यहाँ पे क्लोज शटर्स दिए हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। बॉटम एरियाज में हमने काफी सारे यूनिट्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉटल पुल आउट हो गया, कुछ गैस सिलेंडर के यूनिट्स हो गए, और भी काफी सारे यूनिट्स हो गए। सारे हैंडल्स के लिए यहाँ पे हमने हैंडललेस यूज किया है चैनल्स, जो कि हमारा ब्लैक कलर के अंदर है। और कलर थीम में हमने यहाँ पे ग्रे फिनिश यूज किया है। उसी के साथ अगर आप जो मेन एरिया यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रेकफास्ट काउंटर का है, उससे हमने हाइड करके यहाँ पे सिंक एरिया बनाया है, जिससे कि डायरेक्ट व्यू जो आपका यहाँ पे बर्तन का है वो नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप सिंक भी देखिएगा तो सिंक हमने मॉडर्न सिंक यहाँ पे यूज किया है जो कि मल्टी फंक्शनल है। यहाँ पे आप काफी सारे बटन्स देख सकते हैं सिंक के अंदर, और उसके साथ आप ये सब भी आप इसमें यूनिट्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस है इस सिंक के अंदर जो आप यूज कर सकते हो। तो इससे हमारा जो एक्वा गार्ड और सिंक एरिया है वो हमारा ढक जाता है। उसी के साथ साथ किचन में हमने यहाँ पे टॉल यूनिट भी यूज किया है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो भी सामान है वो काफी अच्छे तरीके से रहता है, जितना भी मसाला का डब्बा है वो सारा रह जाता है इसके अंदर। उसी के टॉप पे हमने यहाँ पे लॉफ्ट एरिया यूज किया है जो कि आपका एडिशनल स्टोरेज की तरह काम करता है। जो भी आपको वंस इन अ मंथ यूज करना है वो सामान आप ऊपर लॉफ्ट एरिया में आप रख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये कंप्लीट किचन अच्छा लग रहा होगा। एक आप कंप्लीट व्यू इस किचन का आप देख सकते हो, और किचन के साथ साथ डाइनिंग का भी एक कंप्लीट व्यू आप यहां से देख सकते हो कि कितना ग्रैंड एंड वाइड फिनिश ये दिख रहा है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है जहां पे आप कंप्लीट बैग देख सकते हैं। ये हमने व्हाइट लूवर प्लस एक्रेलिक के साथ इसे बनाया है, जिसका फिनिश आपको काफी प्रीमियम लगेगा। उसी के साथ साथ जो कलर टोन हमने यूज किया है वो हमने यहाँ पे ग्रे फैब्रिक यूज किया है फॉर द हेडबोर्ड, वो भी आपको कंप्लीट मैचिंग लगेगा इसके वार्डरोब के साथ साथ। यहाँ वार्डरोब में हमने पूरा फुल हाइटेड वार्डरोब इसे दिया है, तो जो स्लाइडिंग है ये एक पूरा फुल हाइटेड स्लाइडिंग वार्डरोब हम लोगों का है, जिसमें अगेन हमने कुछ रोज गोल्ड का फिनिश यहाँ पे यूज किया है। और बॉटम में हमने कुछ यहाँ पे ड्रॉर्स दिए है। और जैसा कि बाकी बेड्स में भी हमने यूज किया है, यहाँ पे भी हमने कंप्लीट फैब्रिक यूज किया है, जिससे जो बेड है वो एक प्रीमियम एलिगेंट लुक के अंदर दिखता है। उसी के साथ बेड के साइड में हमने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइड टेबल लगाया है।
जिसपे आप जो मिरर है वो आप एक मून के शेप में देख सकते हैं, जो सेमी सर्कुलर शेप के अंदर हमने यहाँ पे मिरर यूज किया है। और जो स्टोरेज है वो भी हमने सारा सेमी सर्कुलर शेप के अंदर इसे यूज किया है। बॉटम में हमने कुछ ड्रॉर्स दिए हैं, छोटे ड्रॉर्स और बड़े ड्रॉर्स, जहाँ पे जो भी हमारे एसेसरीज है वो सारे यहाँ पे रखे जा सकते हैं। बेड के ठीक सामने हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट है, जो कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक ऑनिक्स फिनिश के अंदर है, और इसके साइड पे हमने लाइट्स यूज किए हैं। बॉटम में हमने कुछ ड्रॉर्स दिए हैं और कुछ ओपन एरियाज भी यहाँ पे दिया है। अगर मैं क्लोजली बात करूं तो आप इसका फिनिशिंग देखिएगा तो काफी नेचुरल स्टोन मटेरियल के अंदर इसका आपको फिनिशिंग दिखेगा। और उसी के साथ साथ जो लूवर हमने यूज किया है, ये काफी डिफरेंट लूवर हमने यूज किया है, क्योंकि ये हमारा सिंपल लूवर नहीं है, ये एक फैब्रिक लूवर है जिसमें मिरर का फिनिशिंग किया हुआ है। तो अगर क्लोजली आप देखिएगा तो इसका फिनिशिंग आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसी के ठीक साइड में हमारे यहाँ पे वॉशरूम के लिए एरिया दिया हुआ है, जो कि आप वॉशरूम यहाँ पे देख सकते हैं। इस वॉशरूम के अंदर यहाँ पे एक वैनिटी यूनिट प्लस शॉवर क्यूबिकल यूज किया हुआ है टफेंड ग्लास के साथ। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको बता दूं कि अगेन इस रूम में हमारा जो ये पैसेज एरिया जो आप देख रहे हो, इतना जो एडिशनल एरिया देख रहे हो, ये बालकनी एरिया था। यहाँ टॉप पे जो बीम दिख रहा है, यहाँ से स्लाइडर था जिसको एक्सटेंड करके हमने इसे कंप्लीट रूम के एरिया में ले लिया, जिसको आप देखोगे कि यहाँ पे हमने डबल कर्टन के साथ यहाँ पे इसे बनाया है, जहाँ पे कंप्लीट व्यू आपको बाहर का दिखेगा, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जो कर्टन्स है वो सारा हमारा फुल हाइटेड कर्टन्स है, जिसके वजह से जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। जो टॉप है वहां पे हमने इसे कंप्लीट पीवीसी लूवर के अंदर इसे कंप्लीट किया है, जिसके वजह से जो सीलिंग है वो भी काफी नेचुरल फिनिश के अंदर दिखता है। वहीं अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो यहाँ पे फॉल सीलिंग आप देखोगे काफी एलिगेंट एंड सिंपल शेप के अंदर हमने फॉल सीलिंग बनाया है, जहाँ पे जो लाइट्स हमने यूज किए वो काफी इंटरेस्टिंग लाइट्स हमने यूज किए हैं, जैसे कि व्हाइट कूल लाइट हमने यूज किया है जो कि पैनल के लिए यूज करते हैं, और उसी के साथ कुछ छोटे छोटे हमने वार्म व्हाइट के अंदर भी लाइट्स यूज किया है। और जैसा कि इस फ्लैट का थोड़ा सा हाइट वाइज में इशू था, 8.8 फीट का सीलिंग टू फ्लोर हाइट था हम लोगों का, तो हमने यहाँ पे ब्लेड वाले फैंस नहीं यूज किए हैं, बल्कि हमने ये इंटरेस्टिंग फैंस यहाँ पे यूज किए जिसमें कि ब्लेड्स नहीं है। यहाँ पे वास्तु फैक्टर कंसिडर करते हुए राइट साइड में यहाँ पे एक हमने रेड लाइट यूज किया है, जो कि वास्तु के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वास्तु को कंसिडर करते हुए ये एक एडिशनल लाइट यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हमने ये रूम को एज अ पूजा रूम बनाया है, और ये एक फिटनेस एरिया है जहाँ पे कंप्लीट हमने मिरर यूज किया है, सो दैट जो क्लाइंट है वो अपना फॉर द फिटनेस रूटीन इस रूम को यूज कर सके, और जो पूजा एरिया है अकॉर्डिंग टू वास्तु वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा सूटेबल बन रहा था, तो हमने यहाँ पे पूजा यूनिट यहाँ पे बनाया है। अगेन ये जो आप एरिया देख रहे हो बीम का, इसके आगे बालकनी था जिसको एक्सटेंड करके हमने इसे रूम के पार्ट के अंदर इसे बनाया है, तो ये कंप्लीट एक पूजा यूनिट भी आप देख सकते हो कि काफी बड़ा पूजा यूनिट हमारा हो जा रहा है। बॉटम में काफी सारे ड्रॉर्स, स्टोरेज एरियाज और काफी सारे शेल्फ हमने दिए हैं फॉर द गॉड आइडल्स यहाँ पे कंप्लीट। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे तुलसी का पौधा भी देख सकते हो, जो कि एक बहुत ही सही पोजीशन पे नॉर्थ ईस्ट में, वो भी ईस्ट फेसिंग पे हमारा सब चीज पड़ रहा है, तो वास्तु वाइज ये काफी करेक्ट पोजीशन होता है पूजा यूनिट के लिए। उसी के साथ यहाँ पे हमने काफी बड़ा सा वार्डरोब बनाया है, जो कि आप कंप्लीट देख रहे होंगे फ्लोर टू सीलिंग ये वार्डरोब हमने बना रखा है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है घर के एडिशनल जो भी सामान है वो सारा स्टोरेज के लिए। तो ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, जहाँ पे आप कंप्लीट बैक देख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे क्रीम कलर एंड रोज गोल्ड फिनिश के अंदर बनाया है। यहाँ पे आप कंप्लीट इसका डिजाइन देख सकते हैं, जो कि एक लूवा पैटर्न के अंदर है, और रोज गोल्ड फिनिश भी हमने यूज किया है, जहाँ पे दोनों साइड हमारा यहाँ पे वॉल लाइट भी आने वाला है, और जो सेंटर है वहां पे हमने एक्रेलिक फिनिश के अंदर इसे कंप्लीट किया है, और जो हेडबैक है वो भी अगेन हमने थोड़ा सा क्रीमिश कलर के अंदर इसे हेडबोर्ड को हमने कंप्लीट किया है। उसी के साथ आप जैसे यहाँ पे वार्डरोब देखिएगा तो वो भी क्रीमिश कलर के अंदर हमने इसे बनाया है, और जो इसको हम लोग शैम्पेन कलर बोलते हैं, जो ये एक्रेलिक वाला है, तो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें बहुत छोटा सा ग्लिटर वाला फॉर्मेट होता है, जिसके वजह से अगर आप क्लोजली या फिजिकली इसको देखोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये कंप्लीट जो वार्डरोब है वो हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे लाइट यूज कर रखा है, और जो टॉप है वहां पे भी हमने लूवर एक्रेलिक यूज किया है, जो कि आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। जो सेंटर पीस है उसको, उसके भी ग्रूविंग पे हमने यहाँ पे रोज गोल्ड एक्रेलिक यूज किया है। सेम वार्डरोब के नीचे में भी आप देखिएगा तो यहाँ पे हमने लूवर पैटर्न ऑफ एक्रेलिक हमने यहाँ पे यूज कर रखा है।
और जितने भी आप हैंडल्स देखिएगा ये कंप्लीट हमारे फुल हाइटेड हैंडल्स है जो कि हमारा मेटल के अंदर है। इसी के साथ आप बेड देखिएगा तो हर एक रूम में जैसा हमने यहाँ पे फैब्रिक यूज किया है, इस रूम में भी हमने कंप्लीट यहाँ पे फैब्रिक यूज किया है जिसके वजह से एक एलिगेंट लुक आता है, सेफ्टी वाइज भी ये बेटर होता है और देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर मैं टीवी यूनिट की बात करूं तो टीवी यूनिट भी आप देखोगे कि सेम जो कलर पैटर्न है उसी को हमने मेंटेन किया है, व्हाइट एंड क्रीम कलर के अंदर हमने इसे यूज किया है विद द गोल्डन स्ट्रिप्स। उसी के बॉटम में आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने सारे ड्रॉर्स यूज किए हैं जो भी अगेन हमारा व्हाइट कलर के अंदर है, जो हैंडल है वो भी हमारा रोज गोल्ड फिनिश के अंदर है। यहाँ पे क्लाइंट्स ने अपना एग्जिस्टिंग अलमारी यहाँ पे यूज किया है जो कि हम लोग मेजरली रिकमेंड करते हैं कि जो भी आपके पुराने फर्नीचर है उसको भी आप यूज कर लीजिए अपने घर के अंदर। वहीं अगर मैं बालकनी एरिया की बात करूं तो इसके आगे हमारा बालकनी एरिया था जिसको हमने एक्सटेंड करके इस रूम के पार्ट में ही हमने ले लिया, और आप अगर व्यू वाइज देखोगे तो जो व्यू है वो काफी ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो वहां पे आपको ये पूरा व्यू मिल जाएगा रांची का, और सामने की तरफ आप देखोगे तो वहां पे आपको पहाड़ी मंदिर दिख जाएगा। तो व्यू वाइज ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जो रूम का साइज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे जो कर्टन्स है वो अगेन हमने डबल लेयर कर्टन्स यूज किए हैं जो कि शियर कर्टन एंड ओपेक कर्टन का यूज हमने किया है। टॉप में हमने यहाँ पे वुडन लूवर यूज किया है जो भी काफी नेचुरल लगता है, और उसी के साथ अगर मैं सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग भी काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पे यूज किया है विद डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग, जिसमें हमने वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट का यूज किया है। और जो टॉप है वहां पे हमने ब्लेड फैंस के जगह पे ये डिफरेंट फैन हमने यूज किया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप सो गाइज आपको ये कंप्लीट इंटीरियर काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप भी इस तरीके का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.sahufoundation.com या नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट 3D डिजाइनिंग की टीम आपके घर को 3D में डिजाइन करेगी, और उसी के साथ साथ हमारी एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन की टीम उस 3D डिजाइन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा हमारे ऑफिस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।